नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज तारीख 16 जुलाई है। 21,000 का आंकड़ा बिहार में पार हो चुका है। 14,000 से अधिक पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी 150 से कहीं ज्यादा है। वक्त हो चला है कि हम आपको बिहार का कोरोना रिपोर्ट कार्ड बताएं। बिहार के 3800 जिलों के विषय में विस्तार से बताएं कि कहां पर कोरोना को लेकर क्या हाल चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बिहार का कोरोना अपडेट शॉर्ट में बताते हैं। अब तक पूरे बिहार से 21,558 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 167 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से अब तक हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 14,101 है। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। 7,290 एक्टिव केसेस अभी भी बिहार में है, यानी कि 7,290 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं बिहार के सभी जिलों के विषय में। शुरुआत पटना जिले से करेंगे। पटना में कोरोना का आंकड़ा सबसे अधिक है। 2880 कंफर्म्ड केसेस पूरे पटना जिले से अब तक सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा इसी जिले में है। 27 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से अब तक हो चुकी है। रिकवर्ड पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो 1538 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। भागलपुर जिले की बात की जाए तो संक्रमण के मामले में भागलपुर जिला दूसरे नंबर पर है। 1314 केसेस के साथ है बिहार का भागलपुर जिला। मौत के आंकड़े में भी भागलपुर ही दूसरे नंबर पर है। 14 लोगों की मौत हुई है और ठीक होने वाले लोगों की बात की जाए तो 759 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने अब तक संक्रमण को मात दी है। बेगूसराय जिले की बात करें तो तीसरे नंबर पर है बेगूसराय जिला संक्रमण के मामले में। 1038 केसेस कोरोना वायरस के बेगूसराय जिले से अब तक आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा हालांकि यहां पर 7 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 520 है। मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो 968 केसेस के साथ है मुजफ्फरपुर जिला। 8 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है और 596 लोग ठीक हो पाए हैं। सिवान जिले की बात करें तो 919 कंफर्म्ड केसेस सिवान जिले से अब तक आ चुके हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 514 लोग रिकवर हो पाए हैं। नालंदा जिले में कोरोना के 789 कंफर्म्ड केसेस अब तक आ चुके हैं। 7 लोगों की मौत हुई है और 440 लोग रिकवर हो पाए हैं। मुंगेर की बात करें तो 759 कोरोना के केसेस मुंगेर जिले से अब तक आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा मुंगेर जिले में भी काफी बढ़ गया है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 441 लोग ठीक हो पाए हैं। नवादा जिले से 726 केसेस आए हैं अब तक। 4 लोगों की मौत हुई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 436 है। मधुबनी जिले से कोरोना के 668 केसेस आए हैं। 2 की मौत हुई है और 557 लोग ठीक हो पाए हैं। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 631 कंफर्म्ड केसेस के साथ है पश्चिमी चंपारण जिला। 5 लोगों की मौत हुई है और 331 लोग रिकवर हो पाए हैं। गया जिले से कोरोना के 607 केसेस निकल कर आए हैं। मौत का आंकड़ा गया जिले में काफी अधिक है। 10 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। 331 लोग ठीक भी हुए हैं। खगड़िया की बात करें तो 575 कंफर्म्ड मामले हैं अभी खगड़िया जिले में। 4 लोगों की मौत हुई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 359 है। समस्तीपुर जिले में कोरोना के 569 केसेस आए। 7 लोगों की मौत हुई और 428 लोग ठीक हो पाए हैं। रोहतास जिले से कोरोना के 565 कंफर्म्ड केसेस निकल कर आए। 6 लोगों की मौत हुई और 425 लोग ठीक हो पाए। कटिहार जिले की बात करें तो 541 कंफर्म्ड केसेस के साथ है कटिहार जिला। मौत का आंकड़ा एक ही है, 460 लोग रिकवर हो पाए हैं। गोपालगंज जिले की बात करें तो 534 कंफर्म्ड केसेस गोपालगंज जिले से अब तक आ चुके हैं। 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 407 लोग रिकवर हो पाए हैं। पूर्वी चंपारण से कोरोना के 528 केसेस आए। 7 लोगों की मौत हुई और 400 लोग रिकवर हो पाए हैं। भोजपुर जिले की बात करें तो 486 कंफर्म्ड केसेस के साथ है भोजपुर जिला। 4 लोगों की मौत हुई है और 343 लोग रिकवर हो पाए हैं।
सारण जिले की बात करें तो 464 कंफर्म्ड केसेस कोरोना वायरस के सारण जिले में अब तक आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 6 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 342 है। दरभंगा जिले से कोरोना के 451 केसेस आ चुके हैं, 10 लोगों की मौत हुई है और 382 लोग ठीक हुए हैं। वैशाली जिले की बात की जाए तो 448 कंफर्म्ड केसेस वैशाली जिले से आ चुके हैं, 4 लोगों की मौत हुई है और 257 लोग रिकवर हो पाए हैं। पूर्णिया जिले से कोरोना के 432 केसेस आए, 2 लोगों की मौत हुई और 371 लोग रिकवर हो पाए हैं। सुपौल जिले से 414 कंफर्म्ड केसेस आए, 354 लोग रिकवर हुए हैं। जहानाबाद की बात करें तो 389 लोग जहानाबाद से संक्रमित पाए गए, 3 लोगों की मौत हुई और 303 लोग रिकवर हो पाए हैं। बक्सर की बात करें तो 374 केसेस के साथ है बक्सर जिला, जिनमें से 252 लोग ठीक भी हुए हैं। औरंगाबाद जिले की बात करें तो 350 कंफर्म्ड केसेस के साथ है औरंगाबाद जिला, 2 लोगों की मौत हुई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 330 है। सहरसा जिले से 342 केसेस आए, 1 व्यक्ति की मौत हुई और 285 लोग ठीक हो पाए हैं। बांका की बात करें तो 335 कंफर्म्ड केसेस बांका जिले से आए हैं, 265 लोग इनमें से ठीक भी हुए हैं। लखीसराय जिले से कोरोना के 310 केसेस आए, 172 लोग ठीक हुए हैं। मधेपुरा जिले की बात की जाए तो 300 कंफर्म्ड केसेस मधेपुरा जिले से अब तक आ चुके हैं, मौत का आंकड़ा 1 है और 237 लोग रिकवर हो पाए हैं। जमुई में भी आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, 295 केसेस के साथ है जमुई जिला, 1 व्यक्ति की मौत हुई है यहाँ पर और 116 लोग ठीक हो पाए हैं। कैमूर जिले की बात की जाए तो 282 केसेस हैं कैमूर जिले से, 3 लोगों की मौत हुई है और 233 लोग रिकवर हो पाए हैं। किशनगंज जिले से कोरोना के 273 केसेस निकल कर आए, 2 लोगों की मौत हुई और 213 लोग ठीक हुए हैं। शेखपुरा जिले से कोरोना के 243 मामले आए, 168 लोग इनमें से ठीक हुए हैं। अरवल की बात करें तो 217 केसेस आए हैं अरवल जिले से, 141 लोग इनमें से रिकवर भी हुए हैं। अरवल जिले की बात अगर की जाए तो 217 केसेस के साथ है अरवल जिला, 1 व्यक्ति की यहाँ पर मौत हुई है और 141 लोग ठीक भी हुए हैं। अररिया जिले से कोरोना के 213 केसेस आए, 2 लोगों की मौत हुई और 149 लोग ठीक हो पाए हैं। सीतामढ़ी जिले से 196 केसेस अब तक आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हुई और 148 लोग रिकवर हुए हैं। शिवहर जिले की बात करें तो 133 केसेस शिवहर जिले से अब तक आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 108 लोग रिकवर हो पाए हैं। बिहार के 3800 जिलों से अब तक 21,558 केसेस आ चुके हैं, मौत का आंकड़ा 167 हो गया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना के कारण पटना जिले में ही मौत हुई है, पटना जिले से 27 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। भागलपुर जिले से 14 लोगों की मौत हुई है, बेगूसराय से 7, मुजफ्फरपुर से 8, सिवान से 6, नालंदा जिले से 7 लोगों की मौत हुई है, मुंगेर जिले से 5 लोगों की मौत हुई है, नवादा जिले से 4 लोगों की मौत हुई है, मधुबनी जिले की बात की जाए तो 2 लोगों की मौत हुई है, पश्चिमी चंपारण जिले से 5 लोगों की मौत हुई है, गया जिले के 10 लोगों की मौत अब तक कोरोना के कारण हो चुकी है, खगड़िया की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है, समस्तीपुर जिले से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, रोहतास से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कटिहार और गोपालगंज से 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है, पूर्वी चंपारण से 7 लोगों की मौत हुई है, भोजपुर जिले के 4 लोगों की मौत कोरोना के कारण अब तक हुई है, सारण जिले की बात की जाए तो 6 लोगों की मौत हुई है, दरभंगा जिले से 10 लोगों की मौत हुई है, वैशाली से 4 लोगों की मौत कोरोना के कारण अब हो चुकी है, पूर्णिया से 2, जहानाबाद से 3, औरंगाबाद से भी 2, जबकि सहरसा, मधेपुरा और जमुई से 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। कैमूर जिले की बात अगर की जाए तो 3 लोगों की मौत कैमूर जिले से हुई है, किशनगंज के 2 लोगों की मौत हुई है, अरवल से 1 व्यक्ति की मौत हुई है, अररिया से 2, सीतामढ़ी से 3, जबकि शिवहर के 1 व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हुई है। कुल मिलाकर 167 लोगों की जान कोरोना की वजह से अब तक जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 14,101 है और एक्टिव केसेस 7,290 बचे हैं।
हमने आपको बिहार का कोरोना रिपोर्ट कार्ड बताया है 16 जुलाई का। उम्मीद है अब आप जान पाए होंगे कि बिहार के सभी जिलों का हाल कितना बुरा है। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है ताकि कोरोना के जो हालात हैं उन्हें काबू कर लिया जाए। आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, घरों पर रहें और जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करें, तमाम एहतियात बरतें ताकि आप अपने परिवार के साथ खुद को भी कोरोना से सुरक्षित रख पाए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।